बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो देख रहा था। बहरहाल जी, ये पाकिस्तानी की है और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियो काफ़ी चल रही है। मैंने बोला एक शॉर्ट सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। यकीनन आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, अभी वीडियो चलाकर साथ में सुनाकर दिखा देता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। अच्छा, वैसे ना इतनी शराफत हम पाकिस्तान में दिखाएं ना, एक सच्ची बात है, मेरी बात से आप जरूर इत्तेफाक करेंगे। तो हमारा जो निज़ाम है ना, खासकर ट्रैफिक का और निज़ाम में कानून, वो बिल्कुल सीधा हो जाए। हमारे पास हमारे तो यहाँ पर अगर कानून वाला किसी को रोकता है तो इधर से होकर निकल जाते हैं या किसी का फोन करवा देते हैं भाई। जगह जगह अगर यहाँ पर भी कानून का ऐसे एहतराम हो ना, इतना ही खौफ हो हमें पाकिस्तान में भी, तो भाई बंदे के पुत्र बन के हम यहाँ से भी ट्रैफिक एंड पुलिस की एहतराम करें। हाँ, पुलिस वालों में भी मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ होंगी, तो भाई बहरहाल कानून सीधा हो जाए। हमें अपनी बात करनी चाहिए, पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए। तो बहरहाल जी, वीडियो क्या है आपको साथ में मैं अभी चलाकर दिखा देता हूँ। पहले आप वीडियो इनकी सुन लें, फिर आप खुद ही बोलेंगे कि यार इंटरेस्टिंग चीज़ है। सुन लें। Assalamualaikum Mudi Malis, ana miskin, gilama mafi, ana miskin. Assalamualaikum Mudi Malis, ana miskin. जी, तो वीडियो आपने सुन ली है। वो बोल रहे हैं मदीर आना मस्किन माफी मुखालफा, यानी कि मैं आपको बताया कि मैं माड़ा बंदा यार, मैनू ग्रामा ना करी अगर पंजाबी चप गल कर ली, और ये मुझे लग भी पठान भाई रहे हैं। तो बहरहाल जी, कैमरा लगा है इनको, ये गाड़ी लेकर गुजरे होंगे, जाहिर सी बात का इनको कैमरा लग गया। अभी गाड़ी खड़ी करके कैमरे के पास आकर माफी मांग रहे हैं कि यार बोला मालिश मुझे ग्रामा मत करना। तो भाई कैमरा इसमें तो रिकॉर्ड सेफ हो जाएगा। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ वीडियो को लास्ट में, मैंने एक बंदे के साथ सफ़र किया जो यमनी सऊदी था, जिजान से आके सपिया, मैंने वहाँ से आपके साथ वीडियो शेयर की, टॉप ऑफ द खलीफा की तरफ, सपिया से इदाबी से सपिया की तरफ, सपिया में नकल जमाई थी, नकल जमाई से मैं फिर जद्दा पहुँचा। आपको वो मैं मुकम्मल व्लॉग दिखा चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। बात यह है कि जब हम इदाबी से सपिया आ रहे थे, इदाबी एंड सपिया के दरमियान में ना एक चेक पॉइंट आती है, तो वहाँ पर जारी सी बात है शुरते थे, शुरतों ने रोका तो उसको बोला लाइसेंस दो, तो उसने लाइसेंस दिया, तो देखा उसने बोला तुम्हारे ऊपर तो 45,000 के ग्राम में है। वो बोलता है ही नहीं, मैं किधर से दूँ। यकीन कीजिए, बोलता मेरे 5 बच्चे हैं, उनको खिलाऊंगे ग्राम में। तो शुरू ने बोला जा यार। अच्छा, बात ये क्यों कर रहा था कि उस बंदे को भी ऐसे कैमरे लग लग के 45,000 के उसके ऊपर ग्रामे हो चुके थे। कुछ बढ़ भी जाते हैं, आपको पता 15 दिन या 1 माह का टाइम होता है इनका। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, मैंने बोला शॉर्ट सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ।